बंगाल के खड़गपुर में रविवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष ने अपने समर्थकों के साथ खड़गपुर में चाय पर चर्चा भी की और इसके साथ ही उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि दम है तो दूसरी बार चुनाव जीतकर विधानसभा में आए। वहीं घोष ने कहा है कि टीएमसी हिंसा को बढ़ावा दे रही है, बीजेपी नेताओं और कर्मियों को निशाना बना रही है, चुनाव से पहले राज्य में भय और दहशत का माहौल उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दिलीप घोष ने पुलवामा में शहीद हुए शहीदों को याद करते हुए उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी। क्यों लॉकडाउन छोड़कर के आए हैं सबंग में, अपना किला बचा ले। मैं उसको चैलेंज करता हूं, दो बार बीच आप जीत करके आइए विधानसभा में, वही भेंट होगा। इसलिए अपना संभालो, टीएमसी में बोलने वाला कोई नहीं, ना नेता है ना कोई है, ना घर से निकल रहा है कोई। अभी चोरेस सरकार हो गया, जमे दुआरे सरकार हो गया और दीदी जमे दूध बेरिए चाहे, अभी ये सब करके कोई नाटकबाजी से कुछ होने वाला नहीं। लोग इनको इनकार कर दिया, एक से एक